राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के एक एक बूथ से एक एक मतदान केंद्र से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों और प्रत्याशी भी आपन से आशीर्वाद मांगिन है और पहली और नेता मल्ला भी आपन सुने हो। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये जो लोकसभा के चुनाव है ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बस चुनाव है। उमरला पता चलना चाहिए कि आप मन सब संकल्प ले हो कि तीसरी बार मोदी जिला प्रधानमंत्री बनाना है, दोनों हाथ भेज के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे थे, आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री के बात होते प्रधानमंत्री जो हमारे देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके विकास पर काम करत है कि नहीं, तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो का करना पड़ी। आप मन के क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी बोला प्रचंड मतों से जीता के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी। एक बार आपन बना रहा 5 साल सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम करें, जब लोकसभा के सत्र चलत रही तो आपन देखत रहा ना कैसे मजबूती के साथ प्रदेश के समस्या आप मन के राजनांदगांव के समस्या वाला पार्लियामेंट में उठा रही खाना है। 5 साल ठग के राज करीन, एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस पार्टी ला दे रही 70-71 सीट में पहुंच गए रही और बड़े बड़े वादा करे रही 36 ठन वादा, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा हुई, कोई वादा पूरा नहीं हुई, 1 ठन वादा पूरा नहीं हुई। मैं बार बार प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चैलेंज करते रहे कि भूपेश बघेल आप 36 वादा में 1 वादा अगर 100% पूरा किए हो तो आप बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई भूपेश बघेल ला काबर 1 भी वादा पूरा वो 5 साल में नहीं कर पाई, बल्कि 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करीस, ठगे के काम करीस, ये छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बन गई, अपराध के गढ़ बन गई और हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार अलग से 25 रुपया टन भूपेश टैक्स लगत रही, शराब के दुकान में 2 ठन केस काउंटर, एक के हिसाब सरकार के पास दूसरा के हिसाब सीधा कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास, पूरा शराब के 2 नंबर के पैसा में कांग्रेस चली से, बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी में गोबर भी मन खागिन कि नहीं, तो ऐसा भ्रष्टाचारी मन सबक सिखाना है कि नहीं। आज कई ठन मन के नेता मन जेल में है मालूम है, आज कई ठन अधिकारी मन जो भूपेश बघेल ला सहयोग करत रही बोरा बोरा पैसा कमाए में वो अधिकारी भी आज जेल में है, 6-6 महीना साल साल भर से बेल नहीं होते आज जेल में छटपटात हैं, बड़े गद्दा में सोने वाला आज वो जमीन में सोना पड़ा थे, वहां मच्छर चावत थे, आज मुश्किल हो जाते तो आज ये हाल। और तो और ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात कि आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आपके राजनांदगांव से 5 साल मुख्यमंत्री रही से आज एकर ऊपर भी FIR हुई से मालूम है कि नहीं, ओकर ऊपर भी FIR हुई से थाना में काबर हुई से
कोई अच्छा काम कोई जनता के हित के लिए तो ऊपर में फायर हुई से का नहीं हुई से एमन पिछले अपन 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में गंगाजल हाथ में झूठा कसम खाई गंगाजल हाथ में लेके गंगा माता के अपमान करी महादेव सट्टा एक में हमर बहन बेटी मन के जुआ खेले के सट्टा खेले के लत लगाने वाला के संरक्षण देने वाला ये भूपेश बघेल आज अगर ऊपर में एफ आई आर हो आप अगर आप मन गूगल में जाके 500 वार्ड दबाई हो तो ये महादेव सट्टा एक के काका करी से ये भूपेश बघेल सारा कारनामा आज प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप ये भूपेश बघेल जो आप मन के ये क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है तो ऐसे प्रत्याशी का सबक सिखाना है कि नहीं। आज एक कांग्रेसिया मन जो हमार मोदी जिला काका गाली नहीं चौकीदार चोर है गुजरात के मुख्यमंत्री रहीन तो मौत के सौदागर है और अभी यहाँ चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो का कथे ये भूपेश बघेल ही प्रधानमंत्री के सिर पर लाठी मार सकता है उनका सिर फोड़ सकता है ये कहना चाहिए क्या एक नेता प्रतिपक्ष रहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो रात दिन 140 करोड़ भारतवासी मन के लिए काम करत है 24 घंटा में 18 घंटा काम करत है ऐसा प्रधानमंत्री के ऊपर में ऐसा बोलना ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का शोभा देते का ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर ये लाठी मारे की बात है लेकर मजा चखाना है कि नहीं। अमन सब मोदी के परिवार अगर मन में हिम्मत है तो हमन के सिर में पहले मन लाठी चला के देखे कितना है मन के दम है मन के बाजू में कितना ताकत है। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया पीएससी घोटाला के जांच सीबीआई ला सौंपे के काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से 21 क्विंटल धान खरीदे हैं प्रति एकड़ 3100 रुपया धान की कीमत दे हैं अंतर की राशि एक साथ देवो कह रहे हैं आपन यहाँ किसान बैठे हो सबला मिलिस की नहीं अंतर की राशि सबला मिल गए ना 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करी और कल दूसरा किस्त भेजे हैं मिलिस की नहीं कितना ज्यादा मिलिस से हाथ उठा हाँ तो बाकी आ जा ही कल भेजे हैं 655 करोड़ रुपया भेजे के काम कल हुई से वो आज हो ही कल तक मन सब पहुंच जाए और मैं आप आश्वस्त करत हूँ कि हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा आप मन के खाता में आ जाए 7 तारीख से 8 तारीख नहीं हो 7 तारीख के अंदर में प्रति महीना आप मन के 1,000 रुपया आप मन के खाता में आ जाए। जमानत में है छूटता कर लो अब कोर्ट में सजा कब होते छत्तीसगढ़ में उमला भगवान राम के दर्शन कराए के काम करी तो ये सारा काम जो मोदी की गारंटी में हमन वादा करे हैं सब साए साए होते कि नहीं सब साए साए होते ना एक कांग्रेसिया मन के बुद्धि बेड़ा गए है मतलब बाय बाय हो जाते 5 साल में मन कुछ करी नहीं हमने 3 महीना में 7-8 काम साए साए कर दे तो मन के मानसिक संतुलन बिगड़ गई से और इसलिए कुछ भी बोलते हैं तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब से आप सब देतु दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु मने आया है बोला मालूम है कि मानपुर मोहल्ला ये सब एरिया में हमारे आदिवासी भाई मन भी हैं उमन से भी मैं कहना चाहूं कि आज हमारे देश के सर्वोच्च पद में हमारे आदिवासी समाज के एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी थे आज सम्मान बढ़ी से हमारे आदिवासी मन के और ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते है।